बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है आलू अंडा भुजिया की रेसिपी। तो बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये आप जल्दी से ये वाली रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई या पैन ले लेना और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 2 कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। इसमें प्याज को जो है वो छोटा सा आपने जो है बारीक सा चॉप कर लेना है। प्याज को ऐड करने के बाद आपने प्याज को जो हल्के सा सोटे कर लेना है। प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे और ज़्यादा लाइट ब्राउन कलर नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। बस इसको जो है इतना कुक करेंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे 2 जो चॉप किए हुए आलू और साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 कटे हुए टमाटर और साथ ऐड करेंगे 5 से 6 जो है वो हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे और लाल मिर्च हम इसमें कम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करके आपने इसमें साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। तो स्पाइसेस में हमने सबसे पहले ऐड करनी है 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ चम्मच जो है वो हल्दी की इसमें ऐड जाएगी और नमक जो है वो आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। बस इतने से स्पाइसेस हैं, सिंपल सी रेसिपी है और इसे मसाले और ऐड करके तो आपने इसे जो है फ्राई करना है और अपने इतना फ्राई करना है कि जो हमारे टमाटर और जो आलू हैं वो गल जाएँ। इसे कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 5 से 7 मिनट जो लगेंगे आपके आलू और जो है प्याज टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। देन इसमें ऐड करेंगे हम अंडे। अंडे जो है वो आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 3 अंडे जो है वो ऐड किए हैं। 3 अंडे ऐड करके आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर आपने मिक्स करना है तकरीबन 1 सेकंड के लिए आप इसे छोड़ दें, फिर आप इसे मिक्स करें। तो यहाँ देखिए जी, अंडे हमने शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसे जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसे कुक करना है। आप इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ताकि हमारे जो है वो अंडे और आलू जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे जो अंडे जो आलू अंडे की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दें। रेसिपी आप सुबह नाश्ते में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो साथ में इसमें जो है हम फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर देना है और इसे जो है वो डिश आउट करना है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी आलू अंडा की जो भुजिया की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। और नेक्स्ट आपको जो भी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।